पौड़ी जिले की 6 विधानसभा सीटों में हुए मतदान के बाद मतगणना के लिए पौड़ी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम का पहुंचना पिछली रात से जारी है। पौड़ी विधानसभा सीट की सभी ईवीएम पौड़ी पहुंच गई हैं। शेष 5 विधानसभाओं की ईवीएम का यहां पहुंचना जारी है। कोटद्वार में कल देर रात तक पोलिंग होने के कारण कोटद्वार विधानसभा की दूरस्थ क्षेत्रों की ईवीएम अभी पौड़ी पहुंचनी बाकी है। इसी तरह से यमकेश्वर विधानसभा और लेंसडाउन के दूरस्थ पोलिंग बूथों से अभी तक ईवीएम पौड़ी नहीं पहुंच पाई है। इन सभी पोलिंग बूथों में देर शाम तक ईवीएम पहुंचने की उम्मीद है। ये भी मानी थी जिसमें से 330 ईवीएम 530 ईवीएम आ चुकी हैं और 350 ईवीएम आनी शेष है। इसमें जो अधिकतम जहां से आनी थी यमकेश्वर से 136 आनी है और लेंसडाउन से 109 आनी है। बाकी में किसी में 40 है, सीनियर में 40 है, चौबट्टा काल में 37 है, कोटद्वार में 8 है और पौड़ी पूरा का पूरा आ चुका है। कब तक आ जाने की उम्मीद है पूरी? मुझे उम्मीद है कि क्योंकि हमारा जो यमकेश्वर इलाका काफ़ी जो है दूर पड़ता है यहाँ से, जो मैं उम्मीद करता हूँ 4 बजे तक हमारी जो है 4-5 बजे तक पूरी पोलिंग पार्टी हमारी पहुँच जाएंगे। देवभूमि न्यूज़ के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी।